फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट बॉक्स में। आज का जो वीडियो है ये आपके काफ़ी यूजफुल होने वाला है। इसमें आप बताएंगे हम बास फिशिंग में जो कोक लगा होता है उसको आप किस तरह फिक्स कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो है लूज हो चुका है यहाँ से, और मैं इसको दो तीन बार टाइट भी कर चुका हूँ, लेकिन एक दो दिन के बाद ये फिर से लूज हो जाता है। तो जैसे हम इसको ओपन और क्लोज करते हैं तो इस तरह हिलता है। तो दोस्तों, आज हम इसी को आपको फिक्स करना बताएंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, हमें इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसके नीचे एक स्क्रू होता है, उसको हम स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से ओपन कर लेते हैं। प्लस की हेल्प से भी ओपन हो जाएगा। जैसा आप देखेंगे नीचे इसमें एक स्क्रू होता है। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं इसमें कि स्क्रू लगा हुआ है और ये हमारे वाटर सप्लाई के पाइप आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम इसको स्क्रू को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसको, ये देखेंगे आप, स्क्रू ड्राइवर हमारा लग जाएगा इसमें। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए हमारा पूरा टाइट है, उसके बाद भी क्या है हमारा ये लूज हो रहा है। इस तरह हम इसको ओपन कर लेंगे। ये देखिए इसमें के पार्सल भी लगा होता है, ये भी हमारा निकल के इस तरह से बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसा आप देखेंगे हमने इसका फिटिंग वाला स्क्रू निकाल दिया है, और ये इसके नीचे एक बार्सल लगा हुआ है जो दोनों पाइपों को कवर करके और ये टाइट हो जाता है। तो दोस्तों, अभी आप देखेंगे क्या है कि इसमें जो है हमारा जो गैप है ये धीरे धीरे क्या है थोड़ा बढ़ता रहता है। जैसे हम इसको यूज करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गैप बढ़ता रहता है। तो सबसे पहले क्या, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो हम इसका जो है पानी की सप्लाई है उसका भी कनेक्शन हटा देते हैं यहाँ से। पहले हम इन दोनों को क्लोज कर देते हैं। इसी तरह हम दूसरे को बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों, देखेंगे इसमें बहुत हल्की सी माइनर सी एक यहाँ पर रबड़ लगी होती है इस तरह से, और यहाँ पे हमारा जो है फिटिंग होता है। तो धीरे धीरे क्या, जैसे हम इसको यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारा ये गैप बढ़ जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको जिप्सम वगैरह से चिपका देते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये फिर से लूज हो जाता है। तो अभी हमें करना क्या है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये काफ़ी मतलब गैप हो गया है। तो अभी करना क्या है, हमें जो है एक इस तरह का एक रबड़ का एक वार्शर ले लेना है। इस तरह की एक रबड़ की पैकिंग है, आपको हार्डवेयर की दुकान पर बहुत ईजीली मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जो है इस तरह से फिक्स कर देंगे, और इसके बाद हम कोक को फिट करेंगे तो हमारा जो है हिलना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, पहले इसी को इसके अंदर यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको दूसरे को इसी तरह से हम इसमें से निकाल लेंगे। अभी मैं इसको नीचे से निकाल रहा हूँ, अदरवाइज हमारे पास ऑप्शन है इसको हम ऊपर से खोल के भी निकाल सकते हैं। तो ये रबड़ है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे बहुत ईजीली निकल जाएगी। थोड़ा सा हम इसको हाथ से खींचेंगे तो ये हमारी इस तरह से बाहर आ जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप देखेंगे मैंने रबड़ इसमें यहाँ पे फिक्स कर दी, तो एकदम परफेक्ट है, किसी के साइज का है ये। आपको बहुत ईजीली हार्डवेयर की दुकान पर मिल जाएगी। अगर इस तरह का ना मिले तो सिर्फ बार्सल टाइप का मिल सकता है, तो आप उसको अभी यूज कर सकते हैं। देखेंगे, मैंने आपको बताया था पहले भी, ये मिस्त्री ने प्लम्बर ने जो है ये जिप्सम से चिपकाई थी। यहाँ प्लास्टर पहले जो होता है हमारा वाइट कलर का सीमेंट, देखना उससे हमारी जो है इसकी कोक की हालत भी कैसी हो रखी है। तो दोस्तों, अगर हम इस तरह इसमें वाटर डाल के फिक्स करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा कुछ इसमें बाहर से कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अभी हम इसको थोड़ा क्लीन भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप देखेंगे अभी हमने इसको थोड़ा क्लीन कर दिया है, और जो अभी जो हमें इसका जहाँ पर ये स्क्रू फिट करना है इसको भी हम टाइट कर लेते हैं। पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। जो इसकी रॉड है हम इसको पहले फिक्स कर देते हैं। तो दोस्तों, इसको भी हम जो है इधर यहाँ पे एक होल होता है इसके लिए हमारा, वहाँ पर भी हम इसको लगा दे रहे हैं।
इसको ड्राइव के ड्राइव कर देते हैं। थोड़ा सा अभी हम इसको लूज रखेंगे हल्का सा, ताकि जब हम ये टाइट इसमें ये वाला इसको टाइट करेंगे तब हम इसे इसको ड्राइवर से एक बार फिर से टाइट कर देंगे। तो दोस्तों अभी मैं इसको जो है इसे में फिक्स कर दे रहा हूँ जिस तरह हमने इसको निकाला था। तो ये देखेंगे हमारा इसमें इस तरह से बार सर के साथ में यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, और जो भी हम इसका नीचे वाला फिटिंग है ये भी इसको लगा देते हैं। ये देखिए दोस्तों हम इसको यहाँ से इस तरह से डालेंगे, दोनों पाइपों को कवर करते हैं और जो इसका स्क्रू हमें यहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे। दोस्तों हम इसको प्लस की हेल्प से पहले टाइट कर देंगे। तो दोस्तों भी हम इसको पूरा अच्छे से टाइट कर दे रहे हैं। थोड़ा सा लूजर थोड़ा सा कर बाकी हम इसको भी एक बार देख लेते हैं। जो हमने लूज छोड़ा था तो मुझे बचा कुछ थोड़ा गैप होगा यहाँ से कवर अप हो जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे हमने जो है इसको पूरे को अच्छे से टाइट कर दिया है, और अगर आप चाहें तो जो है एक्स्ट्रा रबड़ है इसमें यहाँ से थोड़ा कट भी कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, आप इसको ऐसे भी रहने देंगे। तो दोस्तों इस तरह आप घर पे जो है टैप को फिक्स कर सकते हैं। अब जो हमने इसका कनेक्शन मेन सप्लाई का हटाया था वाटर का, वो भी हम इधर कर दे रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ पे टाइट कर दे रहा हूँ। अभी हम आपको इसका लीकेज भी चेक करके दिखा देंगे। थोड़ा अच्छे से टाइट करना ताकि वाटर यहाँ से लीक ना हो। इसी तरह हम जो है दूसरे को भी फिक्स कर देंगे। थोड़ा इस पर टैप ऑन टेप लगा लेते हैं। तो इसको भी हम अभी फिक्स कर रहे देखिए हमने दोनों अच्छे से फिक्स कर दिए हैं। इसको हम मेन सप्लाई का चालू कर देते हैं इधर, और इधर का भी ओपन कर देते हैं। तो अभी हम इसको चालू करते हैं। ये देखिए हमारी पानी की सप्लाई इसमें आने लगी है और यहाँ वाला बिल्कुल भी लूज नहीं है। तो दोस्तों इस तरह विदाउट प्लम्बर के अपने टैप को रिपेयर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पर फिनिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।